Hey guys, good morning and welcome back to my channel Lifestyle with Sanjoyita। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और जैसा कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है, मेरा स्कूल बंद हो चुका है और मैं चली आई हूँ घर पर, मतलब कोलकाता। और अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और ये बार ऑफिस चला गया है। पूरा दिन मैं और पोगो अभी अकेले रहूँगी और काम वाली मासी अभी तक नहीं आई है तो आज लेट कर रही है। घर में आते ही कल मैं आई हूँ, कल मंडे था, कल मैं आई हूँ और कुछ नहीं है घर पर। रुकिए, मैं अब फ्रिज का हालत में दिखाती हूँ। तो घर पे कुछ नहीं था इसलिए मैं सुबह को ही जाकर सब्जी फिश सब कुछ ले के चली आई हूँ। अभी तक वॉश करना बाकी है तो यही काम है। क्या खाना बनाऊंगी पता नहीं, क्योंकि अनिर्बन तो आज लंच लेके नहीं गया है, बस ब्रेकफास्ट करके चला गया। कुछ नहीं था तो मैं क्या बना के दूँ। और पोगो यहाँ वहाँ घूम रहा है, रुकिए मैं दिखाती हूँ पोगो क्या कर रहा है। गाइस, यहाँ पर सारे सब्जी वॉश करके मैंने रख दिया है और यहाँ पर पाट साग मिला मुझे, अनिर्बन का ये फेवरेट है तो ले लिया। और इचौड़ भी मिला है, साथ में मैंने चिंगड़ी भी लिया है तो एक दिन इचौड़ चिंगड़ी करूँगी जो एक फेमस बे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सारे फिश को ऐसे वॉश करके और कंटेनर में अलग अलग से रख देती हूँ। निकाल निकाल कर कुकिंग करने में मुझे तब टाइम नहीं लगता है। रोहू लिया है, रोहू एक मीडियम साइज़ का है, 800 ग्राम ऐसे। और पापड़ा मिला है मुझे एकदम फ्रेश, और पापड़ा से यहाँ पर फिश का अंडा भी निकल के आया है। फिश हेड को मैंने अलग से रख दिया है क्योंकि इसका करी बनेगा अलग से। और प्रॉन है, मैं एकदम पूरा प्रॉन ही लेके आई हूँ क्योंकि इसका जो ये पार्ट है ना, ये मुझे फ्राई करके खाना बहुत पसंद है। सो गाइज, लगभग एक महीने बाद मैं कोलकाता का सब्जी मार्केट गई तो मुझे लगा सब्जी का जो प्राइस है पुरुलिया के मार्केट से दुगना है और फिश का प्राइस सेम है एकदम, बट यहाँ का फिश एकदम फ्रेश रहता है और जो सारे नदी के फिश है वो तो बहुत ज़्यादा फ्रेश, मतलब आपके सामने ऐसे तैरेगा पानी में ऐसा फिश, जो पोगो के लिए बहुत लाभदायक है। मतलब डॉक्टर ने तो वही फिश खाने को बोला है, पर हमारे वहाँ कहाँ मिलेगा वैसा फिश। तो वही एक डिफरेंस है, मतलब फ्रेश है और फ्रेश खाना तो ज़रूरी है। बट मैं आज इनमें से कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि अकेले के लिए खाना मैं नहीं बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने खाना चढ़ा दिया है, राइस और एक मिक्स दाल है, सांभर बना लूँगी। और सोच रही हूँ ये पापड़ा जो फिश है वो हम दोनों के लिए फ्राई कर लेंगे, बस आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर अभी भी सो रहा है, उठ गया पोगो, उठ गया, चलो चलो नहीं नहीं करना है, चलो 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 चलो। स्नान করবে করবে হ্যাঁ কি না পোগো का आज बॉडी वॉश होगा क्योंकि आज प्रॉपर धूप निकला है और कल ही सोच रहे थे करेंगे बट नहीं हुआ। कल यहाँ पर धूप ही नहीं था, पूरा दिन बारिश हो रहा था तो वही सब कुछ निकालने आई हूँ। कैक्टस में बे ना 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 बॉडी वॉश शैम्पू। मामा आर्ट का सारा प्रोडक्ट, मतलब कंटेनर लगभग सेम है। कौन टाइ इटे चार्ज दी तो हबे, तुम दीते पार बे पार बे ना, के चार्ज दिए दिबे দিদিয়া? দিদিয়া এখানে আছে কি? না আছে না। দিদিয়া কোথায় থাকে? না
আর তুমি কোথায় এসেছো? ঘর কোথায়? কলকাতা। কলকাতা। আর বাবা কোথায় গেছে? বাবা অফিসে। আর তুমি এখন কি করবে? কি বডি ওয়াশ করবে, স্নান হবে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার টমিকে দেখিয়ে দাও, টমিকে দেখিয়ে দাও। কোনটা টমি? টমিকে দেখিয়ে দাও। টমি ওটা কে? ওটা কে? এটা কে? পাপ্পি কে? ঘুম পাড়াও, ঘুম পাড়াও। ও পড়ে দাও ও। আচ্ছা, আর টমি কই? টমি ওখানে, টমি আছে। আচ্ছা, मैंने दाल के लिए मसाला फ्राई कर रही थी, वो राइस हो गया है। और पोगो क्या कर रहा है देखते की गुच्छो। ये माँ शेष कर दिले के माँ खेमनी करे কি মেগেছিলে? গাইস, ইয়ে বডি লোশন কো লেকার মেরে অ্যাবসেন্স মে পুরা মুহ মে হাত মে পায়ের মে ঘিস ঘিস কা একদম পুরা হাফ বটল কর দিয়া ফুল বটল কা। সো গাইস, অভি ছত পে যা রহে হো কিউকি বহুত সারা কপড়ে সুবহ সুবহ ইয়ে আজ ধোকার छत पर सूखने के लिए रख दिया है। और इसका भी शैम्पू हो गया है, इसका बाल भी सूख जाएगा। बहुत बाल है ना, बहुत ज़्यादा। जा खेल में जा, रोदे थक बने छाए थक बे। हमारा छत ठीक हो? दाओ तुले आमा के, दाओ 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 না, এখানে খেলো। সো গাইস, মাসি কাম করকে চলি গই হ্যাঁ, থ্যাঙ্ক গড কে টাইম পর আ গই। আর উসকে বাদ মানে নহা লিয়া और लंच का टाइम है, पोगो को खाना खिला दिया। मतलब जो मेरे दिन का सबसे बड़ा काम लगता है पोगो को लंच खिलाना, वो भी हो गया है। और अभी मैं लंच कर लेती हूँ। तो चलिए, मैंने क्या बनाया, सिंपल सा लंच है, दिखाती हूँ आप लोगों को। राइस है, उसके साथ सांभर है, गाइस। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी 6 बज चुका है और अब जाके मेरे नींद खुली है। और मेरे साथ अभी पोगो भी उठ गया है, तो बहुत सारा अभी भी काम है, वो निपटाना है। छत में बहुत सारे कपड़े जो धो के नीचे रखा है वो अभी समेटना है। कौन खाने पड़े जाए ना दिए चापू चापू দেখি কেমন পাচ্ছে চাপো। তুমি ছোট পাচ্ছ না, তাহলে কি করব? তো ইয়ে রাহা ঘর কা অভি মেরে লিয়ে সবসে বোরিং কাম, ইসকো সমেটনা হ্যায় মুঝে অভি। কোনটা নিবে, ব্যাগটা? দিচ্ছি দাঁড়াও। So guys, यहाँ का काम तो ऑलमोस्ट डन है, अभी किचन में जाना है। कुथाई एक घंटे, चलो रन्ना कर। So guys, वेजिटेबल्स जो वॉश करके रखा है उसको समेट के फ्रिज के अंदर रखना है। और उसके साथ कल मैं ब्रेकफास्ट में इडली बनाऊंगी। हम दोनों को ब्रेकफास्ट में इडली बहुत पसंद है
और निर्माण को तो अगर रोज इडली दो तो उसको वही चाहिए। मुझे रोज रोज नहीं अच्छा लगता है, बट हाँ अच्छा तो लगता है। तो इसी का इडली के लिए दाल और राइस भिगोना बाकी है, वो भिगा देती हूँ, हो जाएगा रात को ही, पेस्ट बना के रख दूंगी। सो गाइज, हम लोग अभी पार्क के लिए निकल रहे हैं, पोगो को लेकर पार्क जा रही हूँ। पास में ही एक पार्क है, वहाँ पर थोड़ी देर खेलेंगे और अनिर्बार वहाँ पर ही हम लोगों को ज्वाइन करेगा। अभी बज रहे हैं 7 शाम के और अभी हम वो तुम मारो जाओ, चलो आ रो ऐसा 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 कौन टाइप चापे छोड़ो छोड़ो तुम छोड़ो, मारो मारो पाई करो, मारो पाई करो, मारो पाई करो, मारो पाई करो, पाई करो, ए आरो छोटो सो गाइज, पार्क से हम लोग घर आ चुके हैं और पूरा दिन हम लोगों का ऐसे ही हम दोनों का बीत गया। मैं और पोगो पूरा दिन घर पर अकेले, जूता टा खुला दाओ, अच्छा खुला दीजिए। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ और एक नया ब्लॉग लेके फिर आप लोगों के साथ में आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बोलो दाओ, बाय बोलो दाओ।